हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरी वन। सो मॉर्निंग में अभी चाय हमने अभी ख़त्म करी है, बाहर आ गए थे हम थोड़ा, और अब अंदर जाना है, आज के काम शुरू करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा मंदिर क्लीन करना है और आज रंगोली भी बनानी पड़ेगी। तो बस अभी चलते हैं अंदर, गौरव भी आ गए तो अब सारे कामों में वैसे ही हेल्प हो जाएगी। तो निकू का नहाना धोना सब कुछ गौरव देखेंगे। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, जो कि कमी होता है इस घर में। मैं यूजुअली बाद में नहाती हूँ, बट सोच रही हूँ भी पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए, भी बहुत देर से गौरव बुला रहे हैं। तो नाश्ता करके उसके बाद बाकी का रेडी होती हूँ, बाकी मतलब ज्वेलरी वगैरह लगा के। अभी हम बाहर जाएंगे नाश्ता करने, बाहर मतलब घर के बाहर ही हम लोग बाहर बैठ कर नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद रेडी होकर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और कहाँ से दिखाऊँ, तो ये है ड्रेस, कॉटन भी है, शरारा है, लास्ट मिंत्रा हॉल में मैंने दिखाया था, एंड ऑफ कोर्स दुपट्टा भी है, जो कि घर पे तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। तो अभी हम चलते हैं। सो बाहर बैठ के हमारा हो रहा था नाश्ता और काफ़ी अच्छा मौसम भी था, इसीलिए हम बैठ पाए। और निको अपने फ्रूट्स खा रहा है फोक की हेल्प से, आजकल उसे बहुत शौक चढ़ा है इस चीज़ का। एंड साथ में थे फ्रेंच फ्राइज़, जो कि निको के फेवरेट होते हैं, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ तो आते ही आते हैं, तो हमने इस बार घर में भी बनाए थे। सो वही वो घूमते घूमते खा रहा है, इन्जॉय कर रहा है। फाइनली मेरा नाश्ता हो गया है और अब मैं ले जा रही हूँ निको को सोने के लिए। हाँ, निकू को पहली बार हमने ब्लैक खरीदा है कुछ, और मुझे इतना प्यारा लग रहा है निकू ब्लैक में। अभी से सुला कर लाते हैं और तभी कुछ आगे के काम हो पाएंगे, वरना उसके साथ नहीं पाएंगे अगर चिड़चिड़ा रहेगा तो। हाँ जी, बाय कर दो। निकू सोकर उठा और दोनों बाप बेटे ने बैठ के आराम से मैच देखा। हाँ, बीच बीच में मैं भी देख रही थी, पर थोड़ा थोड़ा टचअप वाला काम बाकी था, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल, जो भी डेकोरेशन घर में हो रहा था उसका सारा सामान इसी टेबल पे के ऊपर डंप हो जा रहा था, तो फाइनली इसको भी ठीक करना था। तो इसके ऊपर मैंने टेबल क्लॉथ लगाया एंड देन मैट्स लगाए, क्योंकि हम दो ही लोग गए तो दो ही मैट लगाए, एंड थोड़ा सा बीच में डेकोर के लिए मैंने लगाई एक अपना मिरर वाला ट्रे, देन एक कैंडल और कोस्टर्स। अभी मेरा सेंटर टेबल नहीं आया है ड्राइंग रूम के लिए, वरना ये कोस्टर मैं वहीं रखती, क्योंकि ये वहीं के कलर से मैच हो रहा है। एंड कुछ लैम्प्स एंड स्पून एंड एवरीथिंग, और एक आर्टिफिशियल प्लांट था वो भी मैंने यहीं पर ही ऐड कर दिया। और हाँ, इतना ही था हमारे सेंटर टेबल में। इसके बाद जो यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, वहाँ पर दीवार से पपड़ी निकल चुकी है एंड इसको ठीक करना था, तो इसके लिए मेरे पास पड़ा था एक वॉलपेपर जो कि ब्रिक वाला डिज़ाइन था, उसको मैंने यहाँ लगा दिया। एंड यू कैन जस्ट सी, इतना सुंदर लग रहा है ये, मैंने लगाने से पहले खुद भी नहीं इमेजिन करा था कि इतना अच्छा लगेगा। और इसके बाद एक ये वाला टेबल था, टेबल नहीं था, ये शू रैक है, शू रैक के ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर भी हमेशा कुछ ना कुछ डंप हुआ रहता है, तो इसको भी ठीक से लगाना था। तो यहाँ पर मैंने ये डोनट शेप में एक वास था वो लगाया, देन लैम्प लगाया, मेडिटेशनल बेल और कैंडल क्या मतलब, ये जार था मेरे पास एक कैंडल का, तो वो कैंडल खाली हो गई, इसमें मैंने पानी फिल करके इसमें मैंने फ्लोटिंग कैंडल्स डाल दिए थे। एंड हाँ, बस यही छोटा मोटा सामान, और एक छोटी सी डिब्बिया है जिसके अंदर की मैंने छोटे छोटे वाले कीज़ रखी है अपनी, जो कि कहीं इधर उधर खो जाती है, तो इसलिए इसके अंदर वो कीज़ रखी हैं सारी। एंड इसमें मैंने डाल दिया एक ये स्ट्रिंग लाइट, जो कि सेल से चलता है, वो वाला सेल लगता है जो कि हमारी वॉच में होता है, तो एक ये मैंने डाल दी। एंड फाइनली यहाँ का भी बहुत सुंदर लग रहा था बाद में। देन यहाँ पर है ये सिरेमिक ऑयल डिफ्यूज़र, इसके नीचे लगा दी है कैंडल और ऊपर इसमें आपका जो भी ऑयल है स्मेल वाला वो डाल दो, और साथ में पानी भी डाल देना, क्योंकि वरना ये ऑयल बहुत तेज़ जलने लग जाता है, धुआं सा भी आ जाता है, पानी से थोड़ा सा ये ठीक रहता है, धुआं नहीं आता है जल्दी से।
और ये है हमारा घर, हमारा होम स्वीट होम, हमारा सरकारी क्वार्टर जो भी बोल लो, बट हमें तो ऑफ कोर्स बहुत प्यारा है। हमारी लाइट्स यहाँ लग चुकी है, पर हम कल और लेकर आएंगे तो फिर शायद थोड़ी सी लाइट्स हमें शफल करनी पड़े। बाकी ये इंटीरियर है जहाँ पे कि हमने कोई भी ट्यूबलाइट नहीं जलाई है, सिर्फ लड़ियाँ और कैंडल्स ही जलाई है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम लोग कैंपस में सी राउंड के लिए गए और वहाँ हमें दो ये छोटे छोटे पपीज़ दिख गए, जिसे देखकर निकू बहुत खुश था। एंड आई थिंक ये शायद इंडिकेशन है कि हमें निकू के साथ के लिए किसी को ले जाना चाहिए अब। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज है दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जब तक वीडियो आएगा तब तक दिवाली निकल जाएगी, पर स्टिल आज का तो बनता है, चाहे वीडियो में हो चाहे कोई भी मिले, आज तो दिवाली सबको विश करना ही है। तो अभी मैं नहा गई हूँ, गौरव निकू अभी नहीं नहाए हैं, वो लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं नीचे। तो अब मैं नीचे आज नाश्ता करने जाती हूँ और वो लोग अपना नहाना धोने वाला काम करेंगे। मीनवाइल मैं देखती हूँ घर में कुछ छोटा मोटा अगर काम रहता है तो। हाँ बस इतना ही, और बहुत सारे मैसेजेस आए हुए, अभी सबके रिप्लाई करने हैं, बैठ के सबको कॉल करना है, सबसे बड़ा काम होता है इसमें, मतलब इंसान के 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मैं नीचे जाती हूँ, ये वाला काम करती हूँ। सो नाश्ता मैंने कर लिया था और तब तक निकू भी नहाकर आ गया था, तो फिर इसको रेडी करना था। तो क्योंकि शाम को हमारा एक प्रोग्राम है तो वहाँ पे ऐसे दूसरी ड्रेस पहनाऊंगी, तो सुबह के लिए मैंने इसे फिलहाल इसका एक पुराना कुर्ता था वो पहना दिया। कुर्ता इसलिए क्योंकि फेस्टिवल है और अच्छा लगता है घर में सब कुर्ता सूट एथनिक वेयर को सबका पहना हो तो। और 2 दिन से मैं रंगोली रंगोली कर रही हूँ, बट फाइनल में सारा प्रोग्राम चेंज हो गया और रंगोली मैंने खुद नहीं बनाई, जबकि हमने यूनिट से ही 2 लड़कियों को बुलाया था एंड उन्होंने रंगोली बनाई थी और बहुत बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी। अरे बेटा बीते अभी उठ के आया, नहा धो के तैयार होके हम बैठे हुए हैं कि कोई आ जाए हमें दिवाली विश कर दे। अभी तो कोई नहीं आया। एक काम करो, चलो राउंड को बुला के लेके क्या तैयारी कर रहा है। हाँ एक बारी उठ जाए फिर चलता है। सो दिन भर खाली थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो फिलहाल हम थोड़ा सा अंदर ही कैंपस में ड्राइव पे निकले हैं एंड देख कर आते हैं जो शाम की तैयारी में भी अगर हो रही होगी अभी। और बस निकू को भी थोड़ा ऐसी चू 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 कर रहा, कर चू चू कर। चलो हम पूरे कैंपस में राउंड काटते हैं फिर घर जाते हैं, और जाकर तैयार होना शुरू करती हूँ मैं शाम के लिए। तो मैं हो गई थी टाइम पे रेडी क्योंकि वीडियो भी शूट करना था, और उसके बाद मैंने निकू को रेडी करा एंड व्लॉग के लिए मैं कुछ रिकॉर्ड करना भूल ही गई, सिर्फ कुछ फोटोज़ क्लिक करे थे, तो मैं फोटोज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जा रहे हैं अभी प्रोग्राम में जहाँ पर की जला रहे हैं दिए, तो शायद हो सकता है अभी तक जल चुके हों। हाँ बिट्टू, तो मेरा प्लान है कि हम लोग घर आएंगे और आराम से अपना खाना वाना खा के आराम करेंगे। सो चलो चलते हैं हम लोग वहाँ पे। अरे मैं निकू का नया कुर्ता है, हाय। चलो वहाँ का चलते हैं, देखते हैं अगर मैं कुछ शूट कर पाई तो। रियो की लाइट दूर से ही दिख रही थी, ऑफकोर्स 5,000 दिए थे तो चमक तो इतनी आनी ही थी। और वहाँ हम पहुँचे और यहाँ दियो से बड़े बड़े में हमारी यूनिट का नाम लिखा हुआ था और सारे लोग इसके बाहर बाहर थे, सब बिजी हो रखे थे फोटोज़ खिंचवाने में। और ये है एक ऊपर का शूट जो कि ऑफकोर्स मैंने नहीं करा था, मैंने किसी से मांगा है। एंड यहाँ पर लिखा है हैप्पी दिवाली एंड कुछ सिंबल्स हैं, नीचे लिखा है CISF RTC। इसके बाद क्रैकर्स जलाने शुरू हुए, सारे अलग अलग अंदर ग्रुप्स थे तो धीरे धीरे करके सभी ग्रुपों के क्रैकर्स जल रहे थे और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। पर इन सब के बीच में मेरा ये छोटा सा चूहा, इसकी तो बिल्कुल हवा टाइट हो रखी थी, ये ना रोया ना डरा ना छुपा, लेकिन ये डरा हुआ था क्योंकि ऐसा बिहेवियर निकू का बिल्कुल भी नहीं है, वो बस दुबक के एक जगह दम साध के खड़ा हुआ था। पर अगर हम इसे गोद में ले रहे थे तो घर गोद में आ जा रहा था, क्योंकि गोद में थोड़ा सा बच्चे को कोजी फील आता है और ऐसा लगता है हाँ मैं थोड़ा सेफ हूँ, तो गोद में आ रहा था। पर इसने बिल्कुल भी स्माइल नहीं करी, इसने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाया।
इसके बाद हम थोड़ी देर में निकल गए फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा के, क्योंकि हमें घर भी जाना था, पूजा करनी थी, दिए जलाने थे, तो इसीलिए हम लोग आ गए। पर जाने से पहले हमने एक राउंड लगाया पूरे कैंपस में एंड बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी कल के कंपैरिजन सब ने, क्योंकि जब हम घर होते थे तो वहाँ पर तो आस पड़ोस में सबके दिख जाते थे घर सजे हुए, अच्छा लगता था, एक पूरा राउंड काट कर आते थे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी हमें मिला ही नहीं, पर आज के दिन हमें मिला तो फाइनली थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हमें नॉर्थ वाला फील आया। और ये लास्ट में हमारा घर, मैंने आपको बताया था हम और लड़ियाँ लेकर आएंगे, तो हम और लाइट्स लेकर आए और हमने इस तरफ को इसे लगा दी क्योंकि साइड्स में भी अंधेरा हो रहा था काफ़ी। तो अभी आ गए हम वापस, यूनिटी प्रोग्राम था वहाँ गए थे, पूजा भी हुई, थोड़ी देर बहुत सारे पटाखे चलाए, फिर वापस आए हम लोग 7:15 तक, और फिर हमने अभी पूजा करी, आरती वारती करी है, तो अब हम जलाएंगे दिए और यहाँ लगाए हैं ये दिए, ये सारे भी जलाए, ये एक लेकर आई हूँ, नहीं इसमें भी तेल डालकर फिर स्पून से सारे दिए भर देंगे। और ये हमारी रंगोली है कि आप करोगे परेशान, है जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, भागो, इधर नहीं आना बस। और ये है रंगोली, इस बार रंगोली मैंने नहीं बनाई है, दो लड़कियां आकर बना कर गई थी, तो थोड़ा सा ऑफकोर्स आराम मिल गया, वरना आराम से मेरे से तो 3-4 घंटे कहीं नहीं जाते, इतने तो लग ही जाते हैं। तो अभी पसंद दिए जलाते हैं। तो इसके बाद मैंने जलाए दिए, सब में तेल भरा, दिए जलाए, और गौरव ने ट्राई करा निको को सुलाने का, क्योंकि वो एक ही बार सोया था आज और थोड़ा सा सुस्त भी लग रहा था, तो फिर हमने उसे सुलाने के लिए सोचा, पर वो सोया ही नहीं। गौरव थोड़ी देर बाद उसे नीचे वापस लेकर आ गए कि ये नहीं सो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, एक और बार जाओ, दोबारा अटेम्प्ट करो, वो तब भी नहीं सोया। देन फाइनली दिए वे जलाए और उसके बाद मैं भी गई ऊपर और फिर उसे सुला कर आई। देन नीचे आकर हमने सबसे पहले तो क्रैकर्स सारे जलाए जो कि लाए हुए थे, मुझे बहुत डर लगता है, तो गौरव ने ही ये काम करा। बस ऐसी ही रही हमारी ये दिवाली, छोटी सी फैमिली की, दो नहीं ढाई लोगों की फैमिली की। ऑफकोर्स वो आधा वाला पार्ट तो हमारा सो गया था, तो लास्ट में हम दोनों ने क्रैकर्स वगैरह जलाए और साथ में टाइम स्पेंड करा, एंड वो भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि दिन भर से थक गए थे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।